हेलो दोस्तों जय हिंद जय भारत सभी ट्रेनी को मैं नमस्कार करता हूँ ट्रेनी ये हमारा पार्ट फोर है और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के निमी के क्वेश्चन करेंगे और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर में हैं तो यूट्यूब पर सर्च करना इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मैराथन तो आपको वीडियो मिल जाएगी और इलेक्ट्रीसियंस फर्स्ट ईयर वालों के लिए प्ले लिस्ट है और सेकेंड ईयर वाले आप लोग प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर लिया करें उसमें आपको वीडियो प्रोवाइड हैं अगर आप अन्य ट्रेड से हैं तो आप हमें कमेंट करके बता देना तो आपके लिए भी हम निमी जो कि मैराथन के रूप में एक या दो दो घंटे की वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए भी आप अपनी ट्रेड का नाम लिख दें ठीक है तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो राय रेड क्रिक बटन है उसके साथ में जो वेलाइकन है आप लोग वेलाइकन को प्रेस नहीं करते हो जिसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है तो प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लिया करो और मैं आज बात कहना चाहूँगा अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम व्हाट्सअप की वहाँ पर क्या आप हमसे जुड़ सकते हैं क्या हम जब भी कोई पी डी और जो होती है मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ व्हाट्सअप पर अपलोड नहीं करता हूँ ठीक है तो आपका जहाँ भी मन करे वहाँ आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं तो दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और मैं आप लोगों से हंड्रेड परसेंट बोल रहा हूँ जिन लोगों ने एग्ज़ाम दी है उनसे पूछ लेना फर्स्ट ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया हो निमी से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका ठीक है तो पूरा आप ध्यान से अच्छे से देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले पूर्ण लोड करंट के 500 प्रतिशत पर मोटर संपर्क खोलने के लिए ओवरलोड रिले द्वारा कितना समय लिया जाता है तो साथियों चार ऑप्शन है चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा पाँच सेकेंड दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड या बीस सेकेंड तो तीन सेकेंड आपको मिलते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दस सेकेंड अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है तो क्या हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे क्वेश्चन देखेंगे आगे क्वेश्चन हमारा है 102 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि लघु सर्किट ब्रेकर का प्रकार क्या है ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमें बताना है ये क्या है तो रात साथियों चार ऑप्शन है चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं हम कह सकते हैं टू पोल थ्री पोल फोर पोल या सिंगल पोल एम तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारा यानी कि थ्री पोल कौन सा बी ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है प्लीज़ आप लोग क्या करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी ले सकें अगला क्वेश्चन हमारा है सहायक सर्किट को कौन सा उपकरण खोलता और बंद करता है तो ये हमको बताना है फ्यूज़ रिले स्टार्टर या सर्किट तो साथियों चार चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यानी कि हम कह सकते हैं रिले अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है तो ये क्या हो जाएगा आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे क्वेश्चन देखेंगे आगे क्वेश्चन हमारा है कॉपर कलर फ्यूज कर्टिज की करंट रेटिंग क्या है 25 एम पीयर पैंतीस पचास तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अगर आप लोग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लगा देते हैं तिरसठ एम यानी कि डी ऑप्शन तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है विद्युत सर्किट में आइसोलेटर द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं एक फ्यूज़ के रूप में एक स्विच के रूप में ओवरलोडेड कट ऑफ या अर्थ लीकेज कट ऑफ तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अगर इन चारों ऑप्शन में से अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है एक स्विच के रूप में तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है बात करेंगे एक नंबर क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एम किस स्थिति में विद्युत परिपथ को खोल रहा है कम प्रवाह उच्च वोल्टेज शॉर्क सर्किट अर्थ लीकेज तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि शॉर्क सर्किट सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन हमारा है एम संयोजन सर्किट ब्रेकर में शॉर्क सर्किट दूर करने के लिए ट्रिप क्या है एक मिली सेकेंड तीन मिली सेकेंड चार मिली सेकेंड पाँच मिली सेकेंड तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है तीन मिली सेकेंड तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन है चैटरिंग नॉइज़ के साथ मोटर शुरू होने का क्या कारण है उच्च वोल्टेज कोई उच्च वोल्टेज क्वाइल नहीं जला रिले को नियंत्रण सर्किट खोला ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो में संपर्कों के बीच धूल तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में संपर्कों के बीच धूल यानी कि क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आगे क्वेश्चन है फ्यूजिंग फैक्टर को खोजने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन है तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फार्मूला बताना है तो 109 तो का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन फ्यूजिंग फार्मूला बराबर मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रे रिलेटेड करंट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा साथियों सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 क्वेश्चन है हमारा स्टार्टर से हमिंग नॉइज़ आने का क्या कारण है जो स्टार्टर होता है उसमें जो हमिंग नॉइज़ या आवाज़ आती है उसमें मतलब क्यों आती है ये हमको बताना है तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा लो वोल्टेज ओपन नो वोल्ट क्वाइल तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा लो वोल्टेज ठीक है इसलिए आती है आगे देखेंगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन हमारा है एक, एक सौ ग्यारह क्वेश्चन नंबर फॉल्ट की स्थिति में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा दिए लिए गए समय के कौन सा कारक लिया जाता है तो कौन सा लिया जाता है पावर फैक्टर फ्यूजिंग फैक्टर कट ऑफ फैक्टर या पैरलिंग फैक्टर तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एक सौ ग्यारह का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा कट ऑफ फैक्टर यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आगे देखेंगे आज क्वेश्चन हमारा है नो वोल्ट क्वाइल के बहुत अधिक गर्म होने के कारण कंट्रैक्टर की विफलता का कारण क्या है ये हमको बताना है मतलब क्या रीज़न है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा लो वोल्टेज हाई इनकमिंग सप्लाई कंट्रोल रिले ऑफ सर्किट सर्किट रिले ओपन यह हम कह सकते हैं कि ओपन इन नो वोल्ट क्वाइल सर्किट तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 112 का दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 112 का वो हो जाएगा हमारा यानी कि हम कह सकते हैं हाई इनकमिंग सप्लाई ठीक है वी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन है डीजी आपूर्ति से जुड़ा एसी रिले अधिक करंट क्यों खींचता है मतलब क्यों खींचता है अधिक ये हमको बताना है तो उच्च वोल्टेज उच्च करंट उच्च प्रतिरोध या हम कह सकते हैं आगना आगमनात्मक प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों एक का एक का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा आगमनात्मक प्रतिक्रिया की अनुपस्थ अनुपस्थिति क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को 1 एच से कम रेट के लिए किया जाता है कंप्यूटेटर मोटर स्थाई संधारित मोटर स्लिप फेज इंडक्शन मोटर या फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा है? इन चारों ऑप्शन में से तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर ये हमारा क्या हो जाएगा राइट right ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा अच्छे से इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें और अपने माइंड में बिठाते रहें क्वेश्चन हमारा है एक्स चिन्ह को केंद्रा पार्षद सूच भाग नाम क्या है यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्स चिन्ह इसको हमें ये बताना इस भाग को क्या कहते हैं तो देखते हैं चार ऑप्शन तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं तो 115 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉन्टैक्ट्स गवर्नर इंसुलेटर रिंग गवर्नर वेट तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एक का वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन यानी कि गवर्नर क्या बोलते हैं गवर्नर आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है मोटर की टार्क स्पीड विशेषताओं के वक्र का क्या नाम है तो ऑप्शन देखते हैं ये चारों ऑप्शन एक मिनट हैं ये है डायग्राम और इसके जो ऑप्शन हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं स्लिप्ट फेज मोटर स्थाई संधारित मोटर संधारित स्टार्टर स्टार्टर संधारित मोटर यह हम कह सकते हैं संधारित स्टार्टर शुरू इंडक्शन रन मोटर तो राइट right ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों 116 का इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा 116 का वो हो जाएगा हमारा स्लिप्ट फेस मोटर तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा आई क्वेश्चन है एक हार्स पावर के बराबर कितने वाट होते हैं ये सर फर्स्ट ईयर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी शादी ने एग्जाम दी होगी वर्कशॉप कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन आया था तो राइट right ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा 117 का वो हो जाएगा हमारा 746 सौ छियालीस वॉट आए क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है तो किस प्रकार के यूज़ करते हैं हम दोस्तों कहते हैं सेंट सेंट्री सेंट्री फ्यूगल स्विच यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका एक का सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक सौ रोटर सर्किट और प्रतिक्रिया द्वारा किस मोटर का वर्णन किया जाता है तो हमको बताना है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 119 का एक मिनट दोस्तों अठारह का हमने क्या बताया था आपको सेंट्रिकल फ्यूज हाँ ये सही है तो 119 का क्या हो जाएगा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 120 जो है प्रारंभिक विशेषताओं के अनुसार स्क्वीर रेल वो स्क्वी स्क्वीर रेल कैज इंडक्शन मोटर का वर्ग क्या है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा हमारा 120 का वो हो जाएगा क्लास बी यानी कि बी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा आगे क्वेश्चन है क्लास डी प्रकार स्विकवीर स्विकवीर रेल कैस मोटर द्वारा किस कितना प्रारंभिक टार्क प्राप्त किया जाता है दो तीन पाँच छः तो राइट right ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा हम दोस्तों प्राप्त करेंगे टार्क यानी कि इसका हो जाएगा टार्क फाइव यानी कि एक सौ इक्कीस का क्या हो जाएगा वो सॉरी एक सौ इक्कीस का हो जाएगा टारक हम, एक सौ इक्कीस का बी ऑप्शन यानी कि तीन पाँच नहीं होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ तो ये हो जाएगा थ्री उप, मतलब बी ऑप्शन आई क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है कैपेसिटर से स्टार्टर इंडक्शन और मोटर में सेंट्रिक सेंट्री फ्यू गल स्विच कैसे जुड़ा होता है मतलब किस कैसे मतलब किस कंडीशन में जुड़ा होता है ये हमको बताना है तो 122 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के आर पर रनिंग वाइंडिंग के आर पर यह हम कह सकते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में यह हम कह सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एक का वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन कह सकते हैं हम कौन सा ये वाला स्टार्टिंग रनिंग के साथ सीरीज में होता है ठीक है स्टार्टिंग रनिंग के सीरीज में आइए क्वेश्चन देखें क्वेश्चन है रेटेड गति के में क्लास सी प्रकार स्विक्विर रेल कैज मोटर की शुरुआती टार्क क्या है शुरुआत में जो टार्क होती है वो हमको बतानी है दो तीन तो राइट ऑप्शन जो हो जाए शुरुआत में जो होती है वो दो होती है तो राइट ऑप्शन हमारा ए ही इसका सही ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा आगे क्वेश्चन देखेंगे आगे क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट सिंगल फ़ेज़ मोटर में उपयोग किए जाने और का उद्देश्य क्या है हमको बताना करंट विभाजित करने के लिए वोल्टेज विभाजित करने के लिए फ़ेज़ को विभाजित करने के लिए प्रतिरोध को विभाजित करने के लिए तो 124 का राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा अगर आप लोगों ने कौन सा लगा दिया फेज़ को विभाजित करने के लिए सी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? 124 right हो जाएगा एक का राइट ऑप्शन हो जाएगा आए क्वेश्चन है क्वेश्चन उच्च दक्षता प्रदर्शन के साथ निरंतर गति के लिए कौन सी इंडक्शन मोटर पसंद की जाती है मतलब कौन सी पसंद की जाती है मोटर का नाम बताना है तो 125 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसे बोलते हैं स्क्वीर रेल कैस इंडक्शन मोटर ठीक है यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अब ये यहाँ पर ये एक डायग्राम देख सकते हैं इसमें एक्सचेंज जो है इसको हमें ये बताना ये कौन सा हिस्सा है इसको मतलब क्या बोलते हैं तो एक का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मैन वाइंडिंग बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं या संट वाइंडिंग बोलते हैं या ऑक्सीलियरी वाइंडिंग बोलते हैं तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीलियरी वाइंडिंग ही बोलते हैं तो राइट ऑप्शन डी वाला हमारा यही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं इस सर्किट के माध्यम से कौन सा परीक्षण किया जा सकता है ये हमको बताना है ये सर्किट आप देख सकते हैं तो राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैप पर क्षमता परीक्षण कैप पर चार्ज टेस्ट यह हम कह सकते हैं कैप पर निर्वहन परीक्षण या हम कह सकते हैं कि कैप पर इंसुलेशन परीक्षण तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा एक का हमारा क्या हो जाएगा हम कह सकते हैं कि कैप पर एक मिनट कैपेसिटर पर चार्ज टेस्ट यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ध्यान से वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर दोगे फिर क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत होगी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट करवा रहा हूँ प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट अगर चाहते हो कॉपी में नोट डाउन कर ले कितने हमारे सही हुए तो आप वो भी हमें बता सकते हो अगर आप वीडियो में कोई सुधार चाहते हो या वीडियो में कोई आप मतलब करवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जो भी आपका सुझाव हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना ठीक है क्वेश्चन हमारा है स्लिफ्ट फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग को जोड़ने के तरीके से क्या निर्धारित होता है ये हमको बताना है तो टार्क बनाया जाता है क्वाइल प्रतिरोध परिक्रमा की दिशा ये हम कह सकते हैं कि दोस्तों अधिकतम प्रभाव का उत्पादन तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों एक का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी उसका हमारा हो जाएगा परिक्रमा की दिशा यानी कि हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे क्वेश्चन देखेंगे आगे क्वेश्चन हमारा है स्लिप्ट फेज मोटर की मुख्य और शुरुआती वाइंडिंग शुरू होने के समय ही आपूर्ति से क्यों जुड़ी होती है तो क्यों जुड़ी होती है ये हमको बतानी है करंट प्रवाह को कम करने के लिए जुड़ी होती है और इसके तीन ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रहे वो ऑप्शन तीन ये हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रवाह को कम करना यह हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रवाह को कम्बाइन करना यह हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र घुड़न का उत्पादन करना तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन ये वाला चुंबकीय क्षेत्र घुड़न का उत्पादन करना आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है मोटर की किस तुल्यकालिक गति में प्रारंभिक वाइंडिंग को केंद्र पार्षद स्विच द्वारा खोला जाता है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा कौन सा 130 का वो हो जाएगा कितने से कितने तो 30 से 45 परसेंट या हम कह सकते पचास से सत्तर पचहत्तर से अस्सी या इक्यासी से नब्बे तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक का वो हो जाएगा पचहत्तर से कौन सा एक मिनट पचहत्तर से लेके अस्सी यानी कि सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आगे क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर हमारा एक सौ इकतीस भारी या हैवी लोड करंट के दौरान मैनुअल डी ओ एल स्टार्टर में ओवरलेट कैसे प्रक्रिया करता है किस प्रकार करता है ये हमको बताना है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये जो प्रतिक्रिया करता है एक मिनट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन दो ध्रुवीय पट्टी गर्म हो जाती है आगे क्वेश्चन हमारा है आरंभिक वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए किस बल का उपयोग कैपेसिटर स्टार्टर या इंडक्शन रन मोटर के द्वारा किया जाता है तो केंद्राभिमुख बल या हम कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अगर आपने कौन सा एक का कौन सा लगा दिया अगर आपने बी ऑप्शन लगाया कौन सा बी ऑप्शन तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा अब केंद्रीय बल यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि 10 एच पी थ्री फेज 415 सौ पंद्रह वी स्क्वी रेल केज मोटर का पूरा लोड करंट क्या है मतलब पूरा हमको बताना है उसका क्या है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक का वो हो जाएगा पाँच एम पीयर दस एम पीयर पंद्रह एमपीयर बीस एमपियर तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि पंद्रह एमपियर ठीक है सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आगे क्वेश्चन है ये सर्किट के माध्यम से परीक्षा आयोजित किया है ये सर्किट देख सकते हैं इसके द्वारा हम कौन सा कर सकते हैं और सर्किट से रिलेटेड आई आई के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे अगर आप लोग जानते होंगे अच्छे से अगर आपने एग्ज़ाम दी होगी तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एक सौ चौंतीस का वो हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं संधारित्र या कैपेसिटर का परीक्षण करना क्षमता का परीक्षण करना फर्स्ट इसका सही हो जाएगा आगे क्वेश्चन हमारा है एक सौ पैंतीस नंबर क्वेश्चन है पैंतीस नंबर क्वेश्चन है स्क्वीर स्क्वीर रेल केस इंडक्शन मोटर कौन सा वर्ग सामान्य शुरुआती टार्क लेता है तथा सामान्य प्रायोजन के लिए उपयोग होता है तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लास बी यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक सौ छत्तीस देखते हैं थोड़ा सा वेट तो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि पचास हर्ड पर काम करने वाले आठ ध्रुवों के साथ एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है तो हमको गति बताना है साठ वो छः सौ सात सौ पचास आर या नौ सौ या बारह सौ आर तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका एक सौ छत्तीस का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सात सौ पचास आर ट्रेनिंग में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मैं कोई भी मतलब फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ प्लीज़ क्वेश्चन ही ज़्यादातर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग क्या करें पूरा सपोर्ट करें इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त को हर एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर देना ठीक है बस और कुछ नहीं आप लोगों से चाहिए आगे क्वेश्चन हमारा है मैन वाइंडिंग टर्मिनलों को बदलने पर स्लिप्ट फेज मोटर का क्या परिणाम होता है उसका परिणाम बताना है स्पीड बढ़ जाती है स्पीड कम हो जाती है रोटेशन में कोई बदलाव नहीं है यह हम कह सकते रोटेशन की दिशा उलट जाती है तो इन चारों ऑप्शन में से ट्रेनिंग राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक का वो हो जाएगा हमारा कौन सा यानी कि हम कह सकते हैं कि रोटेशन की जो दिशा होती है वो उलट जाती है तो यही हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़तीस क्वेश्चन कह रहा है कुशल या प्रदर्शन कार्य कार्य के लिए स्क्वीर रेल केज इंडेक्सर मोटर को क्यों पसंद किया जाता है बड़ा हुआ टार घटी हुई टार परिवर्तनशील गति या निरंतर गति तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से अगर आपने एक का कौन सा लगा दिया निरंतर गति डी ऑप्शन हमारा यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आगे क्वेश्चन है उच्च जड़ता या और लंबी तुरड़ अवधि वाले लोड पर कौन से मोटर्स का उपयोग किया जाता है लंबी मतलब लंबी लंबी लोड पर पूछा गया अवधि तक तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो कंप्यूटेटर मोटर स्लिप्ट फेज मोटर या स्टार डेल्टा मोटर या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर तो एक का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपने अगर स्टार डेल्टा मोटर लगा दिया स्टार डेल्टा मोटर सी ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140 क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि क्वेश्चन uh, है हाँ ये नेटवर्क प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले थिन नेट प्रकार की समाक्षी केवल का आकार क्या है 0.15 इंच 0.25 0.35 0.45 तो राइट right ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जीरो दोस्तों इसका बी ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बी वाला आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति मीटर समाक्षी केबल की और, आ, और और स्क्रीन के बीच वितरित समाई समा समाई या हम कह सकते हैं समाई का ये मूल्य क्या है 120 सौ बीस पी एफ एक सौ तो इसका राइट right ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा साथियों कौन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 141 का तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 141 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं 320 सौ ठीक है सी ऑप्शन आप लगा लेना आगे क्वेश्चन है इंटरफेस कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए यू एस बी थ्री पॉइंट जीरो की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है उसकी गति पूछी गई है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक सौ बयालीस का वो हो जाएगा हमारा छः सौ पच्चीस एम बी पी एस यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है साथियों आगे क्वेश्चन है डी वी आई का फुल फॉर्म पूछा गया है तो डी वी आई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिजिटल विजुअल इंटरफेस यानी कि कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा है समाक्षी केवल का अधिकतम डेटा अंतरित गति क्या है उसकी गति पूछी गई है तो राइट right ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा वो हो जाएगा दस एम बी पी एस यानी कि क्या हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन है संचार में श्रव्य ऑडिबल आवृत्ति रेंज क्या है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है सभी लोग जानते होंगे तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा फर्स्ट वाला बीस हर्ट्स से लेकर बीस किलो हर्ट्स ठीक है फर्स्ट वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सुरक्षा कैमरे में उपयोग किए जाने वाले संक्षित नाम पी टी जेड का लेवल का फुल फॉर्म पूछा गया है तो एक का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो राइट ऑप्शन जो फुल फॉर्म पूछा और फुल फॉर्म फिर जो हमारी फुल फॉर्म होती है इससे क्या है दोस्तों आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को हंड्रेड मिलता है तो इसका हो जाएगा पेन टिल्ट जूम तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन हमारा है केबल का नाम क्या है ऑडियो केबल है ये केबल देख सकते हैं स्क्रीन पर इस केबल का नाम बताना है बस और कुछ नहीं तो राइट right ऑप्शन हो जाएगा इसे बोलते हैं पी टी जेड कॉम्बो केबल क्या बोलते हैं तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक सौ अड़तालीस तो क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़तालीस आपकी इसके अंदर आ चुका है क्वेश्चन कह रहा है कि पचहत्तर ओम के साथ बी एन सी कनेक्टर किस किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है उद्देश्य बताना है तो टी रिसीवर के लिए छतों के ऊपर यही इसका एक उद्देश्य है तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यही हमारा सही ऑप्शन एक का हो जाएगा ए ऑप्शन आगे देखेंगे क्वेश्चन है श्री फोर ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केवलों को डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है पचहत्तर एम बी पी एस पचपरा सोलह सत्रह राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एक सौ उनचास का अगर आप लोगों ने कौन सा लगा दिया सी ऑप्शन ये हो जाएगा सोलह एम बी पी एस ये हमारा राइट right ऑप्शन हो जाएगा ठीक है साथियों आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन है डेढ़ सौ नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं संतुलन संतुलित सिग्नल सर्किट के लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है उस केबल का नाम बताना किस प्रकार की करते हैं तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा हम दोस्तों डबल कोर्स स्क्रीनिंग केबल का ही तो उपयोग करते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो राइट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन है व्यक्तिगत रूप से सेवन पॉइंट टू पॉइंट वो सेवन इंटू ज़ीरो पॉइंट टू एम एम की जांच करने वाले हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल फोर कोर का उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य बताना है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसका यही उद्देश्य है कि माइक्रोफोन उपयोग के लिए किसके लिए माइक्रोफोन के उपयोग के लिए तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है एक कौन सा केबल सुरक्षा कैमरा एप्लीकेशन में डेटा पावर और ऑडियो वो सॉरी पावर और वीडियो सिग्नल को सपोर्ट करता है तो किसको करता है ये हमको बताना है आर जी एट का आर जी उनसठ का ये हम कह सकते हैं पी टी जेड कॉम्बो केबल या हम कह सकते हैं आर जी चार सौ तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, ए, एक सौ बावन का वो यही हो जाएगा पी टी जेड कॉम्बो केबल ठीक है यही वाला हमारा सही हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आगे देखते हैं क्वेश्चन है उच्च गति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के आर एफ केबल का उपयोग किया जाता है उस केबल का आर एफ का उपयोग कौन सी करते हैं ये हमको बताना है तो यही करते हैं आर जी एट तो फर्स्ट वाले एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन हमारा है कौन सा केबल कम बिजली आवेदन के लिए प्रयोग किया जाता है किस कौन सी मतलब केबल है जो कम बिजली के आवेदन के लिए प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर है चौवन तो हम दोस्तों करेंगे आर जी अट्ठावन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन है ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का उद्देश्य क्या है तो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अवांछित संकेत को बहिष्कार करने के लिए लचीलापन बढ़ाने के लिए या हम कह सकते हैं यांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा एक का वो हो जाएगा हमारा अवांछित संकेत को अस्वीकार करने के लिए तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है एक तो क्वेश्चन कह रहा है एफ़ कनेक्टर का उपयोग होता है तो जो एफ कनेक्टर होता है उसका प्रयोग हमेशा याद रखना केवल टीवी सर्किट में करते हैं किसमें केवल टीवी सर्किट में एफ कनेक्टर का प्रयोग करते हैं अगला क्वेश्चन है सिंगल ट्रांसमिशन में ट्विस्टेड तांबे के तार का क्या फ़ायदा है तो उस तार के फायदा क्या हो जाएगा कुछ नहीं क्रॉस को टाक को कम कर देता है तो यही क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्रॉस टॉक को कम करता है आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक है क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है ऑडियो सिग्नल केबल में प्रयुक्त परिचित तार का उद्देश्य क्या है उद्देश्य बताने तो मैकेनिकल स्टैंड ग्राउंड्स इंटरफेस संकेत या आवृत्ति प्रतिक्रिया बढ़ाएं यह हम कैसे सकते संकेत तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो एक का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आ, अगर आप लोगों ने एक का कौन सा लगा दिया आ, ग्राउंड इंटरफेस संकेत तो यही क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ठीक है क्वेश्चन नंबर एक सौ उनसठ क्वेश्चन नंबर एक सौ उनसठ कह रहा है उपकरणों को डीसी डिजिटली कनेक्ट प्रदान करने के लिए विशेष रूप से किस कनेक्टर का उपयोग करते हैं तो एक सौ उनसठ का क्या हो जाएगा तो राइट right ऑप्शन हो जाएगा एफ़ कनेक्टर टी आर एस या हम कह सकते हैं एक्स एल आर ये हम कह सकते हैं वेर कनेक्टर तो यही हो जाएगा डी वाला यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक सौ साठ क्वेश्चन नंबर एक सौ साठ सिग्नल का केबल का कौन सा भाग एफ़ कनेक्टर के बाहरी कंडक्टर के क्या होता है एक मिनट हाँ के लिए कंप क्राइमपेटेड होता है तो सेंटर कंडक्टर बाहरी इंसुलेशन इनर इंसुलेशन केवल की सील्ड तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा केवल सील्ड ठीक है डी ऑप्शन आगे देखेंगे क्वेश्चन है असंपीडित पीसी PC, पीसीएम ऑडियो सिग्नल के कितने चैनल एस अपॉन पी केबल द्वारा लिए गए हैं तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एक सौ इकसठ का राइट ऑप्शन हो जाएगा दो ठीक है आगे देखेंगे होम थिएटर और डिजिटल ऑडियो सिग्नल को परस्पर जोड़ने वाले एस अपॉन पी डी आई एफ में किस केबल का उपयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया था ये हमको बताना है ठीक है तो बासठ का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि फाइबर ऑप्टिकल केबल यानी कि बी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे किस इस उद्देश्य से दो मुख्य रूप से स्क्रीन किए गए भारी ड्यूटी केबल का उपयोग किया जाता है तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक का वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कौन सा डेटा ट्रांसमिशन सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं तो क्वेश्चन है हमारा आर जी सिक्स यू केबल की विशेषता है प्रतिबाधा क्या है जिसका उपयोग लंबी लाइन केवल टीवी ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है पच्चीस ओम पचहत्तर पचास सौ ओम तो चौंसठ का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वही हो जाएगा पचहत्तर ओम ठीक है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन आगे क्वेश्चन है नोट से हब कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया यू केबल का अधिकतम लंबाई क्या है तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा सौ मीटर आगे क्वेश्चन है सी एटी सिक्स ट्विस्टिक पेयर नेटवर्क केबल द्वारा अधिकतम डेटा सिग्नल की कौन सी गति होती है ढाई सौ मेगा पाँच सौ पचास छः सौ पचास सात सौ पचास राइट ऑप्शन हो जाएगा पाँच सौ पचास आगे क्वेश्चन है एच डी एम आई इसका फुल फॉर्म बताना है राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसके हिसाब से हमारा सी वाला हो जाएगा आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म कंटेक्टर के लिए केबल टर्मिनलों को जोड़ने और लीड्स को तोड़ने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं एक मिनट किस उपकरण का उपयोग किया था ये हमको बताना है तो एक काम करना आप लोग हमें कमेंट करके बताना ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है उपग्रह रिसीवर में किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है हम करते हैं आर जी फिफ्टी नाइन वी कनेक्टर की विशेषता या प्रतिवादा क्या है पच्चीस ओम तीस साठ पचहत्तर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सत्तर का पचहत्तर ओम तो दोस्तों मैंने आज इसमें कम से कम आपके सत्तर क्वेश्चन करवा दिए अब जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें सत्तर ही क्वेश्चन और होंगे तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जल्दी इस वीडियो ख़त्म करवा दूंगा पहली पीढ़ी हमारी कम कम्प्लीट हो जाएगी फिर हम दूसरी पीढ़ी है उसको सोल्यूशन करवाएँगे तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ठीक आपकी जो भी राह हो आप लोग हमें कमेंट करके बताना तो और मैं आप लोगों से यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि टेक्निकली जब भी कोई वैकेंसी आती है कुछ अपडेट आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देता हूँ तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं दी एंड जय हिंद जय भारत मिलते हैं दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए